हूँ कि तुमने क्या मर खत्म हो चुके थे, क्या नौजवान मर चुके थे, तुमने हमारी बच्चियों को शहीद करना शुरू कर दिया। शर्म होनी चाहिए तुम्हारे लिए, शर्म होनी चाहिए तुम्हारे लिए जो तुम बच्चों के ऊपर भी शर्म करते हो, तुम स्कूल की स्टूडेंट्स के ऊपर भी शर्म करते हो। हमारे अंदर की सब वजूद है, हम अपने बच्चों को इतने महफूज देख कर हम गिरे में नहीं बैठ सकते। क्या आप सारे लोग अपनी बच्चियों को इतना गैर महफूज देख कर घरों में बैठ सकते हो? तो मैं तुम्हें आजाद कश्मीर का आजाद तो कमर से कहना चाहता हूँ कि तुमने जो पाकिस्तान से पीसीएमसी मंगवाई है, ये पीसीएमसी मंगवाने का क्या मकसद है? पाकिस्तान के अंदर इस पीसीएमसी ने पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के जर्रे जर्रे को डुबो के रखा हुआ है। बलोचिस्तान से लेकर सारे पाकिस्तान को जर्रा मार बनाया हुआ है। और तुम ये चाहते हो कि ये जीता जो तो हमारे बुजुर्गों हमारे असलाफ ने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है। सारी तहरीक के दौरान और इस लॉन्ग मार्च के दौरान जो रास्ते में हम सरकारी करते रहे तो गले का प्रॉब्लम है। मैं सबसे पहले शेर से आगाज करूँगा, जिंदा की सलाहें टूटेंगी कपड़ों को परेशान देखेंगे, जिंदा की सलाहें टूटेंगी कपड़ों को परेशान देखेंगे, दावा है हमारा जंजीरों हम पिछले बहारा देखेंगे। अवामी एक्शन कमेटी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर और अंजुन ताजरा कार्यक्रम के सदर पंच दिलियन के सदर सरदार शरीर साहब स्टेज पे विराजमान सारे दोस्त अहबाब तैनात के अंदर बैठे हुए सारे मुजाहमतकार इस धरती के अजीम लोगों रेडियो लोगों आप सबको सलाम के साथ मुबारकबाद की पेश करता हूँ कि आपने पूरी हिम्मत के साथ इस्तेकामत के साथ जुर्रत के साथ अपनी जिदोजहद को जारी रखा। इस सारी जिदोजहद में क्योंकि मैं नहीं शायद हूँ अवामी एक्शन कमेटी का भी नहीं शायद हूँ आप सारे दोस्तों का भी कि मैं भी इससे जिदोजहद में और आप दोस्तों का साथी रहा हूँ, मुझे फख्र है इस बात पे, मैं प्राउड फील करता हूँ। दोस्तों और साथियों, हमारे 500 घड़ियाल को जिसने हमारे इस ठंडे लोगों को जो सर्दियों की वजह से शायद ठंडा पड़ गया था इसको गर्म किया, घड़ियाल के लोगों ने जिनको कहते थे कि वो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको आ देखने मंगाई और ये सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उनके लिए बिल बिजली बिल आदि मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दे के बच्चे की कुर्बानी दे के हमारे जज्बात को उबारा। हमारे पास है मीरपुर के लोगों को जिन्होंने जैसे भी अपने साथ रख के सारे लोगों को साफ करते हुए सारे इलाकों को दूर करते हुए वो तत्ता पानी से अजीरा की तरफ पूछ बुटेलियन के अंदर दाखिल होंगे, उन बुटेलियन के अंदर दाखिल होकर उन्होंने चुमनिया का साथ दिया। क्या हम उन लोगों के पास पहुँच चुके हैं जो मुजाहमतकार हैं, अच्छी तैयारी पुलिस वालों के हवाले हैं, अब पुलिस वाले जाने उनका मफाद वाले जाने, तो यकीन जानिए ये बात सच साबित हुई जो जब पुलिस के अंदर वो दाखिल हुए तो रिकॉर्ड के अंदर करते हुए यहाँ पहुँचे, लेकिन जब पुलिस से हम जफराबाद की तरफ गए तो जफराबाद आखिरी कोने तक तीन चार तक ये जो आखिरी ईदगाह जहाँ पे जाके आखिरी पड़ाव हमने लगाया था वहाँ तक कोई रुकावट हमारे रास्ते में आए नहीं थी। बिना भी बैठे हुए हमारे आगे सारे साथी गए हुए थे, क्या कोई रुकावट आपके रास्ते में देखी है? कोई रुकावट नहीं थी। तो हमारे बात की होता है कि आप सारे लोग निराज से लेके मुजफ्फराबाद में और मुजफ्फराबाद वाले लोगों ने अफ्ताब साहब ने रोजदार सुनाई, मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी रोजदार था हूँ, लेकिन फिर भी सीता आ गई है। दिलकोट के लोगों को भी खसूस में टेस्ट किए बगैर स्टेज से नहीं जा सकता, दिलकोट के लोगों ने वहाँ राजा सोहेल साहब जो हमें अपने घर लेके गए उनके हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा ये 5 मस्जिदें यहाँ पे दिलकोट के मकाम पे मस्जिद जामिया मस्जिद बड़ी मसाजिद 5 है, 5 मसाजिद के अंदर 5 लोगों ने 5 महल ये रहते हैं जिनमें राजा सोहेल साहब भी थे, उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था कि एक मस्जिद के अंदर जो लोग आएंगे उनका जिम्मेदार खाने पीने से लेके सुबह के नाश्ते तक में दूसरी का दूसरे साथ में तीसरी का तीसरे इस तरह 5 मसाजिद के अंदर 5 महीने रात में हम लोगों का कोऑर्डिनेट किया, कुछ लोगों को रेस्ट हाउस के अंदर लेके गए, कुछ लोगों को अपने घरों में लेके गए, पानी की सब्जी ने सुबह लगाई और फिर सुबह चाय और नाश्ते का बंदोबस्त किया। उसके बाद हम रास्ते में जब चंगा से बोल रहे थे तो वहाँ
एक दोस्त ने मुझे बताया कि 65 दिन में लगाई गई थी, 65 चावल भी दे गए चमेहट के मकाम पे, ये दिलचौर के मकाम पर तो बड़ी लंबी दास्तान है। इसलिए सचिव साहब देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि बहुत मिलता है मुझसे, ये कहना चाहता हूँ इंतजामिया को आपका शुक्रिया आपने हमारे रास्ते में काफी नहीं डाली। लेकिन फिर ये कहना चाहता हूँ कि आपको हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कोशिश समेत हमारे रहनुमा ये कोशिश के अंदर से लेकर ये मुजफ्फराबाद तक अली शमरे और दीगर साथी जितने हमारे गिरफ्तार है उन्हें भी फौरी रहा करो, जन्मा का आत्मा करो। मैं सारे भी और दीगर जो गिरफ्तार है नाम नहीं जानता, इसलिए सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन सब लोगों को रहा किया जाए और सारे मुकदमा पहले के मुकदमा या मुजरिम मुकदमा सारे मुकदमा का खात्मा किया जाए। और आप सब लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ एक बार मैं कहूँगा कि ये रेफरेंडम हो गया है लोगों, आपकी इतिहास का रेफरेंडम हो गया है, रियासत जम्मू कश्मीर का रेफरेंडम हो गया है, कोई ताकत आपको तकसीम नहीं कर सकती। इसलिए के वो ये जान चुके हैं कि आपके हुकूक ना देके आपके हुकूक ना देके जो मैंने गलती की और आपका आपका ये इतिहास का इसी तरह का जो मुजाहरा है उसको देख के जो मैंने गलती की अब आपको तकसीम करने का सोच भी नहीं सकते, अब वो तकसीम करेंगे तो पास पास हो जाएंगे। शुक्रिया। मौज है हाँ सारी ले लेंगे। ऐसे बात बैनर सट्टा सा बारी बैनर लास्ट बारी